हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में मेरे पास जितने पियानोस हैं मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे नीचे कमेंट में पूछा था कि कौन सा पियानो खरीदना चाहिए। तो दोस्तों मेरे पास तकरीबन यहां पर 3 पियानोस है। तीनों ही पियानो की मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग वीडियो डाल दी है। अगर आपने फुल वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसकी फुल वीडियो भी देख सकते हो, या फिर अगर खरीदना चाहते हो तो खरीद भी सकते हो। बाय लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल तकरीबन 3 पियानोस है। ये एक पियानो है, इसका मॉडल नंबर है BF430B1। इसके अंदर हमें टोटल 37 कीज देखने को मिलते हैं। दूसरा वाला पियानो है BF430A1। इसके अंदर भी हमें टोटल 37 कीज देखने को मिलते हैं और इसके साथ एक माइक भी मिलता है। इसके साथ भी माइक मिल जाता है और ये जो है USB केबल के साथ आ जाता है। तो एक और पियानो है, ये भी बता देता हूँ मेरे पास। ये मेरा सबसे महंगा वाला पियानो है। इसका प्राइस है तकरीबन 2,800 रुपीज़। ये कैसियो का पियानो है। तो चलो मैं आपको एक एक करके तीनों ही पियानोस ओपन करके बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा आपको कौन सा पियानो खरीदना चाहिए। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से फटाफट से गाइस। तो ये रहा ये पियानो। इस पियानो को हम लोग चाहे तो बैटरी से भी चला सकते हैं, या फिर आपके पास कोई माइक्रो USB वाला चार्जर है तो यहाँ पर आप चार्जर लगाकर इसे चला भी सकते हो। यहाँ पर हमें डालनी होती है 3 AA बैटरीज। तो ये वाला पियानो भी मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ इस फटाफट से। दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया है तो यार जल्दी से लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके घंटी दबाओ और ऑल पर भी जरूर से क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। इस पियानो को भी हम लोग बैटरी से भी चला सकते हैं और माइक्रो USB केबल लगाकर भी चला सकते हैं। तो भाई ये रहा इसका माइक। माइक जो है यहाँ पर फिट होकर आता है, इसे मैं वापस से लगा देता हूँ। तो चलो अभी ये वाले पियानो को भी मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ इस फटाफट से। दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगता है, जैसे कि पियानो हो गया या फिर गिटार या फिर ड्रम्स। आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगता है या फिर आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, मुझे नीचे कमेंट करोगा इस अभी का अभी फटाफट से। तो भाई ये एक थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी का पियानो है, इसका प्राइस भी ज़्यादा है, मैंने आपको इसका प्राइस भी बता दिया है। तो इसके अंदर भी हम लोग जो है बैटरी से भी चला सकते हैं, या फिर इसके साथ एक अडाप्टर खरीदना होता है वो अडाप्टर भी यहाँ पर लगाकर पावर से भी हम लोग इसे चला सकते हैं। तो चलो दोस्तों अभी इस पियानो को भी मैं यहाँ पर रख देता हूँ, साइड बाय साइड तीनों ही पियानो को कंपेयर करेंगे। पहले इस वाले पियानो के बारे में बात करते हैं। इस पियानो के अंदर हमें यहाँ पर स्पीकर ग्रिल मिलती है, यहाँ पर स्पीकर ग्रिल मिलती है, पर इस पियानो के अंदर सिर्फ एक ही स्पीकर काम करता है इस तरफ का, यहाँ पर यह स्पीकर काम नहीं करता है गाइस। यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊँ तो T1, T2, T3, T4 जो है यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, और यहाँ पर जो है आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी लगा सकते हो इसके अंदर, जैसे कि पियानो, वायलिन, बैंजो, म्यूजिक बॉक्स, ऑर्गन, ट्रम्प, इतने ढेर सारे लगा सकते हो। और यहाँ पर टेम्पो बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। यहाँ पर R1, R2 के स्विचेस आपको मिल जाएंगे। तो पीछे की तरफ यहाँ पर आपको बैटरीज डालनी होती है, इसके अंदर 3 बैटरीज डालनी होती है, या फिर आप बैटरी से चला सकते हो या फिर माइक्रो USB केबल या फिर अडाप्टर लगाकर भी इसे चला सकते हो। तो चलो इसको ऑन करके मैं आपको थोड़ा सा डेमो भी दे देता हूँ। ये एक लो कॉस्ट वाला पियानो है, इसके अंदर आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो गाइस। अगर आप एंट्री लेवल या फिर अभी अभी पियानो सीख रहे हो तो ये पियानो पर आपको ज़रूर से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ठीक ठाक सा ही बज जाता है पियानो, पर इसके अंदर थोड़ी सी जो लाउडनेस है मुझे कम लगती है। तो चलो दोस्तों ये वाला पियानो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पियानो के अंदर भी हमें यहाँ पर 3 AA बैटरीज डालनी होती है। आप इसे बैटरी से भी चला सकते हो या फिर माइक्रो USB केबल लगाकर भी चला सकते हो। यहाँ पर इसका माइक भी लगाकर माइक में कुछ आप गा भी सकते हो। बहुत ही बेसिक सा माइक मिलता है, ज़्यादा कुछ अच्छा माइक लगा नहीं गाइस मेरे को इसका। यहाँ पर इसके अंदर भी आपको T1, T2, T3 के बटन्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर R1 से लेकर R8 तक के बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पर अलग अलग बटन्स मिल जाते हैं, इसकी भी साउंड आप सुन सकते हो इस तरह की आती है। इसके अंदर जो है लाउडनेस थोड़ी सी ज़्यादा दी गई है इसके मुकाबले। ये दोनों ही जो पियानोस है बिल्कुल सेम ब्रांड के, जस्ट यहाँ पर देख रहे हो इस मॉडल नंबर थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। ये A1 है, ये B1 है, बाकी बटन सेम टू सेम ही दिए गए हैं इसके अंदर भी। आप बहुत सारी अलग अलग म्यूजिक भी इसके अंदर चला सकते हो इस तरह की।
तो भाई ये रहा ये पियानो, तो इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। ये भी पियानो अगर आप एंट्री लेवल हो या फिर अभी सीख रहे हो तो ये पियानो भी आपको ज़रूर से ख़रीदना चाहिए। इसका प्राइस है 750 रुपीज़। तो अभी ये वाला पियानो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा अलग किस्म का पियानो है गाइस। अगर आपको पियानो थोड़ा बहुत आ रहा है बजाने के लिए, अगर आप और आगे सीखना चाहते हो पियानो पर, तो ये पियानो आपको ज़रूर से ख़रीदना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमें यहाँ पर एक डबल डिजिट वाला डिस्प्ले भी मिल जाता है। ये पियानो के अंदर यहाँ पर हमें 6 AA बैटरीज डालनी होती है। यहाँ पर बैटरीज डलती है इसके अंदर, टोटल 6 बैटरीज डालनी होती है गाइस। अगर आप बैटरी से नहीं या फिर पावर अडाप्टर से चलाना चाहते हो तो यहाँ पर पावर अडाप्टर भी लगाकर चला सकते हो। तो इसको भी मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ। तो देख रहे हो यहाँ पर एक डिस्प्ले आ जाता है। इसके अंदर ढेर सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, जैसे कि सॉन्ग बैंक मिलता है, 50 पैटर्न्स मिलते हैं, 100 से भी ज़्यादा टोन्स हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर एक डायल पैड भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ऑर्गन और पियानो के बीच में आप यहीं से ही स्विच कर सकते हो, और ये जो डिस्प्ले है यहाँ से आप टोटल तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। बहुत ही ईजी हो जाता है ये डिस्प्ले होने के कारण। इसके अंदर आप जो भी बजाना चाहते हो देख रहे हो, इसके अंदर भी ड्रम्स वगैरह भी आप जब बजा सकते हो, तबला भी आता है इसके अंदर देख रहे हो गाइस। इसके अंदर हमें 2 स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, इस तरफ, और दोनों ही स्पीकर जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ सिंपल सी चीज़, अगर आपको थोड़ा बहुत जो है पियानो बजाना आता है तो ये पियानो आपको ज़रूर से ख़रीदना चाहिए, क्योंकि यार ये एक बहुत ही प्रीमियम वाला पियानो है, बिल्कुल भी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। आपके पास सालों सालों तक ये पियानो जो है चल जाएगा, क्योंकि एक ब्रांडेड कंपनी की तरफ से आ जाता है, कैसियो। तो भाई कैसियो के जितने भी पियानोस वगैरह होते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल टाइप होते हैं। अगर आप पियानो अभी अभी सीखना चाहते हो, अगर आप एंट्री लेवल में हो, तो ये पियानो पर आपको अपना हाथ साफ करना चाहिए, उसके बाद ये पियानो आपको खरीद कर सीखना चाहिए गाइस। ये थी मेरी सजेशन आप लोगों के लिए, आपको कौन सा पियानो खरीदना चाहिए। तीनों ही पियानोस के बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से जाकर आप चाहे तो पियानोस को खरीद भी सकते हो। फुल अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग वीडियो भी देखना चाहते हो तो उसकी भी वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है मैंने तीनों ही पियानोस की, वहां से जाकर आप चाहे तो तीनों ही पियानोस की फुल वीडियो भी देख सकते हो। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको तीनों पियानोस में से कौन सा वाला पियानो अच्छा लगा। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। दोस्तों आज मैं देने वाला हूँ 10 लोगों को शाउट आउट। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है अतिशय जैन, ऋषि कुमार, अशोक, हिराक, श्लोक, जैनील, साइली सालुंखे, संतराम, अमित सिंह, साजिद। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर होती है एंड, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार प्रोडक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।